हेलो दोस्तों, पूजा किचन कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे हलवाई जैसे दानेदार बेसन के लड्डू। ये देखिए दोस्तों, आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि हमारे जो बेसन के लड्डू हैं कितने दानेदार बनकर के तैयार हुए हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आधा कप देसी घी ले लेंगे। जब हमारा घी मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 2 कप बेसन। दोस्तों, मैं यहाँ पर बारीक वाला बेसन ले रही हूँ। बारीक बेसन है वो सभी के घर में आसानी से मिल जाता है। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी बर्तन सेट कर सकते हैं, चाहे आप कोई कप सेट कर लीजिए या फिर कोई कटोरी सेट कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमको जो घी है वो एक साथ नहीं डालना है, अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम थोड़ा सा घी बाद में और ऐड कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो बेसन है वो बिल्कुल सूखा सूखा सा लग रहा है। इसको हम अच्छे से लो फ्लेम पर भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे बेसन को लो फ्लेम पर भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर 2 से 3 चम्मच घी और ऐड कर देंगे और इसको चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी ही देर में जो बेसन है वो घी छोड़ने लगेगा और अच्छी सी इस बेसन में से खुशबू आने स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, एक बार आप मेरे बताए हुए तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा। जो बेसन के लड्डू हैं वो एकदम से परफेक्ट बनकर के तैयार होंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। एक बार आप इस तरीके से बना लोगे ना तो आपका बार बार ऐसे ही बेसन के लड्डू बनाने का मन करेगा। आप बाहर से लाना तो भूल ही जाओगे। ये देखिए दोस्तों, जो बेसन है उसने यहाँ पर घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे घर की 2 चम्मच मलाई। आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो मलाई है वो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। मलाई को ऐड करने के बाद हमको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मलाई डलते ही बेसन में भी दाना बनना स्टार्ट हो गया है। इसको हम अच्छे से चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे और ध्यान रखें कि जो गैस की फ्लेम है वो लो ही हो, हाई ना हो, क्योंकि जो बेसन है वो जल जाएगा। अब यहाँ पर हम धीरे धीरे करके 4 चम्मच दूध ऐड कर दें। दूध डालते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें जो दूध है वो इकट्ठा नहीं डालना है, एक एक चम्मच करके धीरे धीरे डालना है। इससे जो है बेसन में बहुत ही अच्छे से दाना बन करके तैयार हो जाएगा और हमारे जो बेसन के लड्डू हैं वो बहुत अच्छे बन करके तैयार होंगे। ये देखिए दोस्तों, दूध डालने के बाद जो बेसन है उसमें कितना अच्छे से दाना बन करके तैयार हुआ है। इसको हम चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे, 2-3 मिनट तक इसको भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कप चीनी वाली बूरा। बूरा डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए दोस्तों, हमारी जो पूरा है वो बेसन में अच्छे से एक दो मिनट में मिक्स हो जाएगी। अब इसमें डाल देंगे हम हरी इलायची का पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची का पाउडर डालने से हमें हमारे लड्डुओं में बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा। अब हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर 4-5 काजू लिए हैं और 4-5 बादाम, इनको अच्छे से कट कर लिया है। अगर आपको बेसन के लड्डुओं में ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट डालना एकदम ऑप्शनल है। ये देखिए, यहाँ पर जो लड्डू का मिश्रण है वो एकदम बनकर तैयार हो गया है। हम इसे थोड़े देर के लिए ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इस मिश्रण के लड्डू बनाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मिश्रण है वो थोड़ा ठंडा हो गया है। इस स्टेज पर हम यहाँ पर लड्डू बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मिश्रण का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और इस तरह से लड्डू बना लेंगे। अगर आपका कभी मीठा खाने का मन करे तो आप इस तरह से बेसन के लड्डू को ट्राई कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।